कोई मनखे फोकटे फोकट आगे नहीं बढ़ जाए। हाँ, कोई मनखे फोकटे फोकट आगे नहीं बढ़ जाए। ओकर पीछू के मेहनत ला तो देख, जब परीक्षा के बेरा मा ओला सांस लेना मुश्किल हो जाए। जी हाँ संगवारी हो, एक ठन एक कहानी है जी हमारे सिखाते कि एक कहानी संगवारी हो सफल इंसान और कामचोर इंसान के बारे में। कामचोर मन कहते कि अरे यार ते आगे बढ़ के ते ऐसे कर लेस वैसे कर लेस, लेकिन सफल इंसान हा कतना मेहनत करते ओकर पिछुक मेहनत ला वो खुद जान सकती। तो ये कहानी संगवारी हो सफल इंसान और कामचोर इंसान के बीच में फर्क के बारे में। यह जमाना में एक ठन गाँव रहीस, अब वो गाँव में रहीस एक झन जबरदस्त कारीगर जी हाँ पत्थरा में एक से एक डिजाइन के मूर्ति बनाए, अच्छा अच्छा मूर्ति बनाए, बड़े बड़े डिजाइन बनाए, बहुत फेमस रहीस वहाँ। वो गाँव में एक ठन मंदिर बनत रहीस और सबो जन गाँव वाला के आस्था जुड़े रहीस वही मंदिर ले। ता वो मंदिर में जो मूर्ति बनने वाला रहीस ओकर काम मिले रहीस यही कारीगर ला। जे हाँ कोई भी पत्थर ला छूतीस तो पत्थर में एक से एक डिजाइन उकेर दे, वहाँ अच्छा अच्छा डिजाइन बना दे। ता ये जब कारीगर ला वो काम मिलीस, तब एक दिन ये कारीगर हा निकलिस काम कि पत्थरा कौन से अच्छा वाला पत्थरा मिली जिमें बनाहूँ मैं हाँ मूर्ति से कर। तो एक दिन धीरे धीरे करा तो जंगल गिस और जंगल जात जात बीच में जंगल बीच में एक दो ठन पत्थरा देखिस गोल मटोत जबरदस्त पत्थरा से। अब वो सोचिस कि यही ला बनाहूँ मैं अब मूर्ति भगवान की। तो जब पहला नंबर के पत्थर से उमे छिनी हाँ थोड़ा मारे कोशिश करीस, जब मारे के जब ऊपर उठी हाथ ल मारे बर तब वो पत्थर ले आवाज इस कि मोला मत मार मोला मत मार, मैं छिनी हाँ थोड़ा मार ला नहीं सह सकूँ, मोला छोड़ दे बाबा ऐसे करके आवाज इस। तो अब वो आवाज़ ला सुन के वो मिस्त्री है वाला छोड़ दीस कारीगर की इस ले ठीक है करके। अब दूसरे नंबर के पत्थरा में जब हथौड़ा वो छिनी मारिस वहाँ से आवाज़ नहीं इस। अब वो पत्थरा छिनी हथौड़ा मार खा खा के मार खा खा के इतना ज़बरदस्त डिजाइन के बन गई मूर्ति वहाँ, मतलब एक भगवान बन गए वहाँ। पत्थरा मार खा खा के एक भगवान बन गए। ओकर बाद वो दोनों पत्थरा वहीं छोड़ दीस कारीगर है और छोड़े के बाद में गाँव आ गए। तब जब गांव में वो मंदिर है जो आधा निर्माण रही से वो पूरा बनीस, तब गांव के मन कहीस कि ते मूर्ति बनाया है इसका ऐसे करके। तब मूर्तिकार कहीस हाओ मैं मूर्ति बनाया हूँ वो जंगल में है, चलो कम से कम 4-5 जन आदमी लगी जिकर संग में जाबो और वो धर के उठा के लाबो अब्बड़ वजन है इसे करके। तो सब कोई गाँव वाला बन गईस 4-5 जन और 4-5 जमन उठाइस वो मूर्ति ला दूसरा नंबर की मूर्ति ला जे पत्थर से छिनी मार खा खा के मूर्ति बन गई जबरदस्त भगवान बन गई। और वो मूर्ति ला गांव वाले मन लाइस और जो मंदिर बन रही वहाँ मस्त स्थापना करीस अच्छा से रखीस। और ओकर बाद में अब मंदिर के पुजारी कहिस कि ये ठीक है भगवान तो हो गए लेकिन एक ठन चीज के जरूरत है, एक ठन वो पत्थरा चाहिए कर बार जेकर बा हम नरियर फोड़बो। तब वो कारीगर कहिस हाओ मोर जगह एक ठन वो पत्थरा है जंगल में जेकर लाने हैं ये मूर्ति ला वो जगह एक ठन वो पत्थरा पड़े फोकट में बोला लान लेथन और जगह गड़िया देथन। तब गीस और मूर्ति का ला दिस और जो मूर्ति रही से भगवान ओकर आगू में ये जो फोकट पड़े रिस पत्थरा जी हाँ छीनी में मार नहीं खा गई वही पत्थर लान के आगू द्वार में रख दिस। अब जतका श्रद्धालु आए ते श्रद्धालु मन हा भगवान माँ जो मूर्ति बन रही उसमें फूल पुष्प सब चढ़ाए फल वल और माथा नवाए। अब ये फोकट पड़े रहते वाला पत्थरा में ठाए ठाए नरियर लग पड़े तो अब्बड़ मार खाई है ठाए ठाए नरियर के। एक दिन ये सुनना बेरा में एक दोनों पत्थरा उठाए लगीस कि अब कही से वो फोकट वाला पत्थरा जो नरियर में मार खाए ठाट रहते हैं। अरे यार भाई तोर जिंदगी जबरदस्त है यार, तोर ऊपर सब फूल फल चढ़ा थे माथा करने माथे, अब मोर जिंदगी कैसे भाई पूरा मोर नरियर माथे ठाट है मारते मोर जिंदगी में तो मारे खोए लिखा है कहते। तो ध्यान से सुनू संगवारी वो वाला पत्थरा का किस जो मूर्ति वाला पत्थर डिस वो किस है। देख भाई जब ये मूर्तिकार तोला पहली बार छीनी है थोड़ा मारना चाहिए तब ते कहा किस मैं नहीं खाऊ मार मैं नहीं सह सको मार के हिस। और मैं यहाँ उही टाइम मार खाया अब्बड़ मार खाया मूल तकलीफ हुई लेकिन वो मार के बाद और जिंदगी निखर गए और एक साधारण पत्थराले में मूर्ति बन गए भगवान बन गए सबके आस्था केंद्र बन गए। ता अब कहीस वह अगर उही टाइम मार खा जातेस तब मोर जगह ते रहतेस और शायद मैं तोड़ जगह रहते। ता एक कहानी सिखाते संगवारी अगर जिंदगी के शुरुआत में हमला अगर संघर्ष मिलते या फिर कोई प्रकार के समस्या मिलते या फिर जिंदगी में चुनौती के थप्पड़ पड़ते मार पड़ते तो चीज़ ला सहेब सीख जाना मन। जिंदगी में चुनौती अगर मिले तो ला हम सह के बोला पार कर कोशिश करन उही टाइम में, अगर उही टाइम में अगर वो पार कर जाबो तो जिंदगी भर एक नया नाम बना जाबो। और अगर वो चीज़ ला वो टाइम नहीं कर पाए तो जिंदगी भर ठोकर खाबो
चुनौती के मार खा खा के जिंदगी भर इसने नरियर कस पथरा फटाफट पड़त रही हमल। तमे कथो अगर जिंदगी में संघर्ष और चुनौती आते तो ओकर ले भागो मत, वो चुनौती और संघर्ष के सामना करो। का पता वो संघर्ष चुनौती के सामना करे के बाद जिंदगी में कुछ नया मोड़ आ जाए, कुछ नाम बन जाए। अगर चुनौती से भागबो तो कहीं ना कहीं एक दिन फिर चुनौती आई हमारे मन जगह और संघर्ष आई तो हमारा संघर्ष के साथ लड़ना ही है। तो जरा बाद में लड़बो तेरा पहले लड़ जान और जिंदगी में कुछ सीख जान। तो RDX छत्तीसगढ़ यही कहे कि करना है ऐसे जिमें दुनिया बन जाए और माता पिता के नाम रोशन हो जाए। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।